आपका क्वेश्चन है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एपी इज 12, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, थ्री नंबर्स है तो कैसे हम लेंगे, वी विल टेक ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी। तो फर्स्ट इसने देखो क्या बोला है, सम, तो दैट मीन्स वी हैव टू एड दिस, दैट इज इक्वल टू 12। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 12। तो माइनस बी प्लस बी गेट कैंसल्ड, तो आपका आ गया 3a इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 12 बाय 3, दैट इज इक्वल टू 4। तो a इज 4, ठीक है। नाउ फिर इसने क्या कहा है, देखो द सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो उनके क्यूब्स, तो फर्स्ट इज ए माइनस डी, तो आपका हो जाएगा ए माइनस डी होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 288, ठीक है। नाउ अब देखो ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी, है ना। तो सेम चीज हम यहां पर लिखते हैं, तो देखो आपका क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ad और क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। फिर आपका सेकंड इज ए क्यूब, तो ए क्यूब लिख दिया। ना ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है वो लिखते हैं, तो हमारा है ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ad और यहां पर है ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 288, ठीक है। ना इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका, ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a² d प्लस 3ad² ये हो गया, प्लस ए क्यूब। नौ फिर आपका है प्लस ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a² d प्लस 3ad², दैट इज इक्वल टू 288, ठीक है। नो अब इसके अंदर देखो माइनस डी क्यूब एंड प्लस डी क्यूब गेट कैंसल्ड, ठीक है। नो और देखो क्या है इसके अंदर, माइनस 3a² d और यहां पर है प्लस 3a² d, ये भी आपका कैंसल हो गया। फिर क्या बच गया, देखो 3ad² और यहां पर है 3ad², तो अब आपका a3 कितना हो गया, a3 a3 a3, दैट मीन्स यू विल गेट 3a3 प्लस 3 प्लस 3 इज 6, 6ad², दैट इज इक्वल टू 288, ठीक है। नौ अब इसके अंदर देखो 3 इज कॉमन, तो 3 से डिवाइड कर दो पहले इसको, तो देखो आपका क्या आ रहा है, ए क्यूब प्लस 2ad², दैट इज इक्वल टू 96, ठीक है। नौ ये दोनों में देखो ए इज कॉमन, तो आपका आ गया a² प्लस 2d², दैट इज इक्वल टू 96, ठीक है। नाउ a की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, 4। अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 4 इंटू a², दैट मीन्स 4² इज 16 प्लस 2d² इज इक्वल टू 96। नाउ अब इसको 4 से डिवाइड कर दो पहले, है ना, 4 इंटू दिस है और ये 4 से जा रहा है, तो डिवाइड कर दो 4 से, तो आपका आ जाएगा 16
प्लस 2d² इज इक्वल टू 24। नाउ 16 को इस साइड में लेकर आ जाओ, आपका आ जाएगा 2d² इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो 2d² इज इक्वल टू 8। 24 माइनस 16 इज 8, 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा d² इज इक्वल टू 4। तो d इज इक्वल टू वी कैन से प्लस माइनस 2, तो d इज प्लस माइनस 2। ठीक है ना, अब देखो इसने क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स, तो नंबर इज दिस, तो फर्स्ट वी विल टेक प्लस वाला, तो प्लस 2 के हिसाब से d लेंगे। ए देखो आपको कितना आया था, a इज 4, तो क्या हो गया आपका a माइनस बी, प्लस में लेना है आपको, है ना, तो आपका हो गया 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज a, तो a इज 4, ये रहा। नेक्स्ट इज a प्लस b, तो a प्लस b हमारा कितना हो गया देखो 4 प्लस 2, क्योंकि प्लस ले रहे हैं हम, तो दैट इज इक्वल टू 6, तो आपका एपी क्या आ गया 2, 4, 6, तो एपी आपका क्या आ गया 2, 4, 6। ठीक है ना, अब माइनस में ले लो, नाउ वी विल टेक इन माइनस, तो ए तो ए ही रहेगा आपका, है ना, तो ए इज 4, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, तो ए माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज इक्वल टू ए इज 4, 4 प्लस 2 दैट इज 6, और लास्ट इज ए प्लस डी, तो दैट इज 4 माइनस 2। तो अब आप देखो आपके एपी कैसा है, देखो फर्स्ट इज आपका है ए माइनस डी, तो ए माइनस डी आपका क्या आया था देखो 6, तो आपका एपी रिवर्स हो जाएगा 6, 4 एंड 2, तो नंबर्स आर 2, 4 एंड 6। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको करना है।